गोली लगने की वजह से घायल हुए एक्टर गोविंदा ने जी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें जो गोली लगी थी वो निकाल दी गई है। उन्होंने अपने डॉक्टर और चाहने वालों का धन्यवाद किया। गोविंदा ने जी न्यूज से ये भी कहा कि उन्हें जो गोली लगी उसको अब निकाल दिया गया है। उन्होंने प्रार्थनाओं के लिए भी लोगों का धन्यवाद कहा है। तो आपको बड़ी जानकारी दे दें, अभिनेता गोविंदा आज सुबह एक बड़ा हादसा उनके साथ हुआ। उनके अपने ही घर पर एक इवेंट में उन्हें कोलकाता के लिए निकलना था और सुबह तड़के लगभग 4:45 बजे जब वो तैयार हो रहे थे तो अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनको अपने पैर पर गोली लग जाती है, जिसके बाद आनंद फानंद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर्स वहां उनका इलाज करते हैं। जो गोली लगी थी उनको उसको निकाल लिया गया है, लेकिन 24 घंटे के लिए गोविंदा को आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। इन सब के बीच किस तरह से आप देखिए, गोविंदा खुद अब सामने आकर बात कर रहे हैं जी मीडिया से। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैं डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं। साथ ही साथ मेरे पैर में जो गोली लगी थी उसको फिलहाल निकाल दिया गया है और मैं खतरे से खाली हूं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंबई में गोविंदा अस्पताल में भर्ती है, पैर से उनके गोली निकाल दी गई है और इन सब के बीच जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं गोविंदा के, वो दुआएं कर रहे हैं जिसके लिए गोविंदा ने खुद उनका शुक्रगुजार किया है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का। तो आपने सुना गोविंदा को, वो बता रहे हैं किस तरह से कि मैं डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूँ और गोली जो लगी थी वो निकाल दिया गया है, मैं अभी फिलहाल ठीक हूँ। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, 4:45 पर अपने घर पर वो तैयार हो रहे थे, 6 बजे उनको कोलकाता के लिए रवाना होना था। आज कोलकाता में एक इवेंट में उनको शरीक होना था। उनके रिवॉल्वर का लॉक खुला ही रह गया था और चेकिंग के दौरान अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से ये बड़ा हादसा हो गया। फर्श पर रिवॉल्वर गिरने की वजह से गोली चल गई और गोली चलने के बाद गोविंदा के लेफ्ट पैर में आपको बता दें ये गोली लगी है। डॉक्टर ने पांव से फिलहाल गोली निकाल ली है, लेकिन इन सब के बीच गोविंदा घायल हुए, उनको अस्पताल लेकर जाया गया और अगले 24 घंटे तक उनको आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जी मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंदा ने साफ तौर पर कहा है कि मैं फिलहाल खतरे से बाहर हूं, तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त मैं फिल्म अभिनेता गोविंदा के घर के बाहर हूं, आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। गोविंदा का घर आप आखिरी में देख सकते हैं, जो छपरा दिखाई दे रहा है वहीं पर गोविंदा पिछले कई सालों से यहां पर रहते हैं। आपको बता दें कि गोविंदा सुबह करीब 4:45 बजे कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 4:45 बजे जब अपने अलमारी से अपने सामान को पैक कर रहे थे, उसी दौरान उनकी लोडेड रिवॉल्वर नीचे गिर गई, जिसकी वजह से जो उनका बायां पैर है उसके पास गिरने की वजह से मिसफायर हुआ और मिसफायर में गोविंदा के पैर में जो है गोली लग गई। उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया, क्रिटी केयर अस्पताल जो यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उन्हें एडमिट किया गया। फिलहाल उनके पैर से गोली निकाल दी गई है, फिलहाल उन्हें आईसीयू में रखा गया है। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन तक वो आईसीयू में रहेंगे, इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कब करना है ये तय किया जाएगा। यहाँ से ले जाने में करीब 7 से 8 मिनट लगा। गोविंदा की पत्नी कोलकाता में पहले से ही कार्यक्रम के लिए पहुँच चुकी थी, वो भी वहाँ से आ रही हैं, मुंबई पहुँच रही हैं। गोविंदा की स्थिति जो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, उनके रिवॉल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनकी। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन शुरू कर चुकी है।
और इन सब के बाद आपको बता दें मुंबई पुलिस ने जो रिवॉल्वर है उसको जब्त कर लिया, उसके बाद मुंबई पुलिस ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। क्या इसी बंगले पे हुई फायरिंग? कितने बजे के आसपास? करीबन 5:30 बजे के आसपास। और कहाँ पे जो है ले जाने की समय उसमें परिवार के कौन कौन लोग? कुछ पता नहीं अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं है। उनकी लाइसेंस ही रिवॉल्वर है? चालू है। हो बराबर। जांच कौन कर रहा है, जुहू पुलिस या क्राइम ब्रांच को दिया? दोनों तरफ से कर रहे हैं। और रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया? कुछ पता नहीं अभी तक। और इस बड़ी खबर पर सीधे रुक करते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अश्विन पांडे, हमने देखा आपने मुंबई पुलिस से भी बातचीत की, हालांकि ये गोली उन्हें खुद ही लगी है, लेकिन इसके बावजूद क्या तफ्तीश करेगी मुंबई पुलिस, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि रिवॉल्वर कहीं ना कहीं जब्त कर लिया गया है? जी बिल्कुल, रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया है, इसकी पूरी जांच चल रही है, क्राइम ब्रांच भी इस पूरे जांच में शामिल हो चुकी है। कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम जो है जुहू के उनके बंगले पर भी आई थी, साथ ही अस्पताल में भी पहुंची है। जानकारी ये भी है कि अन्य जो अधिकारी हैं वो थोड़ी देर में जुहू के उनके इसी बंगले पर आने वाले हैं। आखिरी में जो लाल कलर का पत्रा दिख रहा है ये उनका बंगला है, जहाँ पर सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास गोविंदा कोलकाता में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो अपना सामान जो है पैक कर रहे थे। उसी दौरान उनकी जो रिवॉल्वर थी वो अलमारी में रहे थे और तभी रिवॉल्वर जो है नीचे गिरी और उसका लॉक खुलने की वजह से मिसफायर हुआ। घुटने के नीचे जो बायां पैर है उसमें गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में यहां से तुरंत लेकर जाया गया। 5:30 बजे के आसपास पुलिस को इसके बारे में अस्पताल द्वारा ही जानकारी दी गई कि गोविंदा जो है घायल अवस्था में अस्पताल में आए हैं, और गोविंदा द्वारा जो जानकारी दी गई थी अस्पताल प्रशासन को, अस्पताल ने इसकी पूरी जानकारी मुंबई कंट्रोल रूम को बताई और फिर इस पूरे मामले में जाँच शुरू हुई। फिलहाल गोली उनके पैर से निकाल ली गई है, गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन जो ऑडियो गोविंदा का हमारे पास आया है, गोविंदा ने एक ऑडियो जारी करते हुए इस पूरी घटना का जिक्र किया और यह भी कहा कि ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए, परिवार का आशीर्वाद बताते हुए, प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए। और देखिए अश्विन, आईसीयू में होने के बावजूद भी, इतने दर्द में होने के बावजूद भी ये ऑडियो उनको रिलीज करना पड़ा, क्योंकि तमाम उनके प्रशंसक, तमाम उनके चाहने वाले, बॉलीवुड में जितने भी उनके दोस्त हैं वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी हालत कैसी। लेकिन इन सबके बीच ये भी जानना चाहेंगे कि क्रिटी केयर अस्पताल की ओर से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है या फिर करने की कोई गुंजाइश, कोई आशंका जताई जा रही है, कितने देर में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, अपडेट मिलेगा? जी देखिए, मैंने जो क्रिटी केयर के चेयरमैन हैं उनसे हमारी बात हुई, दीपक नाम जोशी से, उनका साफ तौर पे कहना था कि अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले में जब तक परिवार की तरफ से कुछ कहा नहीं जाता वो इस पूरे मामले में आगे बात नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने अस्पताल में एडमिट होने की पुष्टि की, इस बात की भी पुष्टि की कि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन आगे की सारी जानकारी परिवार की तरफ से ही आएगी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उम्मीद है कि कुछ देर बाद उनकी पत्नी मीडिया के सामने आए या परिवार का कोई अन्य सदस्य मीडिया के सामने आए और जो बातें, जो घटना हुई है के बारे में विस्तार से बातचीत करें। फिलहाल जो राहत की बात है गोविंदा के प्रशंसकों के लिए वो ये कि गोविंदा फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आईसीयू में हैं, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में हैं, 24 घंटे बाद ये तय होगा कि गोविंदा को डिस्चार्ज किया जाएगा। अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनको अपडेट दे देते हैं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है। आपको बता दें गोविंदा इस वक्त मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती है और ये पूरी की पूरी घटना सुबह हुई है जब वो तैयार हो रहे थे अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, जब वो अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को चेक कर रहे थे, उस दौरान ये रिवॉल्वर गिरता है। और गनीमत की बात रही कि देखिए बड़ा हादसा होने से चल गया, पैर में गोली लगी, तुरंत अस्पताल उनको ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उपचार उनका शुरू किया और गोली को तुरंत बाहर निकाल लिया गया है, खतरे से खाली है वो। और खुद अपना एक ऑडियो भी रिलीज किया है उन्होंने ताकि जो जनता है, जो उनके फैंस है, उनको पता चल सके कि वो अभी सुरक्षित है। लेकिन अश्विन, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, देखिए आज से नहीं, काफी सालों से ही लाइसेंसी रिवॉल्वर कहीं ना कहीं गोविंदा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की लापरवाही ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल, देखिए ये अभी जांच का विषय है कि लापरवाही से सब कुछ हुआ या फिर क्योंकि जो रिवॉल्वर थी वो नीचे गिरने की वजह से जो प्रेशर उस पर आया उसकी वजह से ये हुआ, ये एक जांच का विषय है। जो गोविंदा के पक्ष की तरफ से, यानी जो गोविंदा की तरफ के जो सोर्सेस हैं उन्होंने जो हमें जानकारी दी उसके आधार पर हम बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की एक टीम इस वक्त अस्पताल पहुँची हुई है, वो तमाम जो है जानकारी इकट्ठा कर रही है, चूँकि जो भी स्टेटमेंट गोविंदा की तरफ से दिया जाएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसी के आधार पर गोविंदा के इसी घर पर कुछ देर बाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। और चूंकि अभी घर को पूरी तरह से बंद रखा गया है, जो घटनास्थल है उसे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां पर किसी को भी जाने के लिए मनाही है, थोड़ी देर बाद जो है क्राइम ब्रांच जब यहां पहुंचेगी तो इसके बाद ही कोई। बिल्कुल अश्विन, इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की लगातार नजर बनी हुई है और सबसे पहले यह खबर हमने ब्रेक की, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए, अश्विन पांडे जो कि जुहू गली में गोविंदा के घर के बाहर मौजूद थे, और हमारे साथ अब अंकुर त्यागी भी जुड़ गए हैं। अंकुर, अस्पताल के
बाहर मौजूद है। अंकुर, पुलिस बंदोबस्त यहां पर है, क्राइम ब्रांच की एक टीम भी लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। क्या अपडेट इस वक्त अस्पताल के बाहर, क्या दृश्य है, दिखाइए। अंकुर लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, अंकुर त्यागी हमारे साथ है, अश्विन पांडे हमारे साथ है, और लगातार हमारे तमाम संवाददाता एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं कि घर पर क्या हुआ, उसके बाद अस्पताल में क्या हो रहा है, और इन सब के बीच कैसे ये पूरा घटना क्रम हुआ, टाइमलाइन आपको बता रहे हैं हम। 4:45 पर जब तैयार होने के लिए गोविंदा अपने ही घर पर जा रहे थे, और इसी बीच ये घटना होती है, 5 बजे के आसपास सीधे उनको अस्पताल ले जाया जाता है। और इन सब के बीच अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जस्ट हर्ड अबाउट द न्यूज ऑफ आवर फिल्म स्टार एक्टर गोविंदाज मिस फायर ऑफ हिज पिस्टल एंड गेटिंग इंजर्ड। वी आर कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ एंड वी ऑल प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन, on behalf of Indian Film and Television Directors Association, and on behalf of FWICE, Federation of Western India Cinema Employees, we all pray for his speedy recovery. Wish you a speedy recovery and good health. तो अशोक पंडित को आपने सुना, जाने माने फिल्म मेकर है और गोविंदा के काफी करीबी है, वो बता रहे हैं इस बारे में उनको जानकारी मिली। अश्विन पांडे का रुख कर लेते हैं। अश्विन पांडे, देखिए इस तरह की घटना अजीबोगरीब जरूर है, और ऐसे में किस तरह से रिएक्ट किया जाए इसमें भी कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं, ये बताइए फिल्म इंडस्ट्री की ओर से क्या और कोई रिएक्शन आया सामने? जी देखिए, अभी तक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अशोक पंडित का रिएक्शन सामने आया है, और वो जाहिर है कि इस पूरे घटना को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर है कि गोविंदा का फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी पैठ है, लोग जो है उनके चाहने वाले इंडस्ट्री में हैं। तो इस घटना के बाद सभी को जो है एक तरह से सभी आहत हुए हैं, पुलिस की एक टीम यहाँ पर अभी पहुँची है। देखिए ये सभी जो लोग हैं जाँच की टीम का हिस्सा हैं, थोड़ी देर के बाद ये अंदर जाएंगे जहाँ पर जो घटनास्थल है वहाँ से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो लेंगे, अपने अधिकारियों को ब्रीफ करेंगे। डीसीपी जो स्थानीय है उनके वो थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं। क्राइम ब्रांच चूंकि अब इस पूरे मामले की एक तरह से जांच उन्होंने शुरू कर दी है, पूरे घटना बिल्कुल अश्विन पुलिस बंदोबस्त हम देख सकते हैं उनके घर के बाहर, और पुलिस बंदोबस्त अस्पताल के बाहर भी है। लेकिन इन सब के बीच अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा है और गोविंदा ने खुद क्या कहा, यह भी हम आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। तो गोविंदा को आपने सुना, यहां पर सबका धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे थे। अंकुर त्यागी आपका रुख कर लेते हैं। देखिए अस्पताल के बाहर आपकी मौजूदगी है, पुलिस बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहा है, क्राइम ब्रांच खुद इस मामले की जांच कर रही है, जोनल डीसीपी के भी पहुंचने की खबर है, थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, क्या जानकारी आपके पास अंकुर? नहीं देखिए, हॉस्पिटल में तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हॉस्पिटल में ये जो यहाँ पर हैं अभी थोड़े एक दो लोग जरूर आ रहे हैं देखने के लिए, और वो गोविंदा इस वक्त आईसीयू में है। बहुत ज़्यादा भीड़ को इस वक्त जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो एंटरटेन नहीं कर रहा है। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना हो जाए। जो फैंस का सो फैंस अपने आपको बताते हैं और भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं उनको भी अवॉइड करने के लिए यहाँ पर पुलिस के अच्छे खासे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। अंकुर, अस्पताल में इस वक्त कौन कौन मौजूद है, कोई जानकारी? देखिए जो हमें पता चल रहा है उनकी बेटी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है, क्योंकि उनके जो बताया जा रहा है उनकी जो वाइफ है वो ऑलरेडी कोलकाता में है, और उनको जो आज गोविंदा है उनको भी कोलकाता ही आज रवाना होना था, एक इवेंट में उनको शरीक होना था, और इसीलिए 5 बजे का वक्त था जब वो अपने घर पर तैयार हो रहे थे, अलमारी खोलते हैं और लोडेड अनलॉक रिवॉल्वर वो नीचे गिरती है और सीधे घुटने के नीचे वाले हिस्से में जाकर उनको गोली लग जाती है। गनीमत है कि गोली इधर उधर होके कहीं और नहीं लगी, वरना ये जो हादसा है ये बहुत बड़ा हो सकता था, बहुत भयावह हो सकता था।
तो यकीनन तौर पर पुलिस लेकिन किसी भी तरह से अपनी कोताही नहीं बरतना चाहती है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या ये महज हो गया वाली बात है या इसके पीछे कुछ और भी कोई वजह हो सकती है, इस बात को मेक श्योर करना चाहती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ। बिल्कुल, तो अंकुर त्यागी लगातार यहां पर हमें अपडेट दे रहे थे। इन सब के बीच तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े, आपको बता दें किस तरह से देखिए अभिनेता गोविंदा को गोली लगी लेकिन अब खतरे से बाहर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन और अंकुर तमाम जानकारी के लिए। Zee News.